जय दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, इंडिया में जो आपका वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है और हमें से मिलियन ऑफ यूज़र्स यहाँ पे ऐसे हैं जो यहाँ पे पीसी और लैपटॉप में अलग अलग तरह की वेबसाइट को और अलग अलग तरह के लिंक को यहाँ पे एक्सेस करते हैं। और गाइस, रिसेंटली अभी नवंबर 3, 2023 को मैंगलुरु में एक विक्टिम के साथ यहाँ पे करीब 21 लाख रुपये का स्कैम हुआ था, ऑनलाइन स्कैम, और वो इस वजह से क्योंकि उसने यहाँ पे टेलीग्राम पे एक लिंक को क्लिक किया था। तो गाइज, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, किसी के साथ कम अमाउंट का, किसी के साथ ज़्यादा अकाउंट का। इसके अलावा बहुत सारी अदर चीज़ें भी हैं जो आपके यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे आज स्क्वायर एक्स एक्सटेंशन के बारे में यहाँ पे शेयर करूँगा, जो आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देती है और जहाँ पे आप जो है विदाउट एनी फेयर, बिना किसी डर के, किसी भी वेबसाइट को, किसी भी लिंक को, किसी भी फाइल को डाउनलोड करके यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी डर के कि यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, स्कैम होंगे या हैक होंगे। बहुत ही यूज़फुल एक्सटेंशन है गाइस, आप सब के पास एक्सटेंशन होना चाहिए और ये आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है, बहुत सारे फीचर देता है जो आपको मिलता है यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये एक्सटेंशन की यहाँ पे क्या स्पेशलिटीज़ है। तो सबसे पहले गाइस, आपको आना है इस वेबसाइट पे स्क्वायर एक्स का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको ऐड स्क्वायर एक्स टू क्रोम करना है और यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे 4.9 स्टार की रेटिंग पा रखी है, जो कि एक बहुत ही एक्सेलेंट यहाँ पे रेटिंग है। तो ऐड टू क्रोम पे क्लिक करिए, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद आपको एक्सटेंशन पजल आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्क्वायर एक्स जो भी सिक्योर वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके राइट में जो पिन है, इस पे यहाँ पे आप क्लिक कर दो ताकि ये आपको एक्सटेंशन बार में यहाँ पे शो करे। अब यहाँ पे जब आपको शो करेगा तो आपको इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पे लॉगिन के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आप गूगल के साथ, साइन अप विद ट्विटर के साथ और साइन अप विद माइक्रोसॉफ्ट या ईमेल एड्रेस के साथ यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल के साथ साइन अप कर लेता हूँ और साइन इन होने के बाद ये आपसे बोलेगा कि हाय, यू आर रेडी टू गो। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बस यहाँ पे अपने एक्सटेंशन को आप क्लिक करिए और देखिए यहाँ पे ये चार फीचर आपको मिलते हैं जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो गाइस यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, वो है डिस्पोजेबल ब्राउजर और ये कह रहा है फास्ट, सिक्योर एंड एनोनिमस ब्राउजिंग फ्रॉम एनी वर्ल्ड वाइड लोकेशन, ओपन सस्पिशियस वेबसाइट फियरलेसली। तो ये काइंड ऑफ आपका यहाँ पे डिस्पोजेबल ब्राउजर है, जिसको आप यहाँ पे एज अ VPN भी कह सकते हैं, जहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करें अपने ब्राउजर में ही रह के और कोई भी आपके यहाँ पे लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएगा, ना आपके काम को ट्रैक कर पाएगा। अगर किसी तरह की मैलिशियस वेबसाइट को भी आप विजिट करते हैं तो उससे भी आपको यहाँ पर्सनली आपके डिवाइस को कोई हार्म नहीं होने वाला है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको सिंगापुर का लोकेशन देगा, तो चाहे आप सिंगापुर के साथ जा सकते हैं, अगर आप इनमें से कोई और कंट्री लेना चाहें तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे जर्मनी या फ्रांस के साथ जाना चाहता हूँ, तो उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे जो डिस्पोजेबल ब्राउजर है वो लोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और लोड होते ही देखिए यहाँ पे आपके पास इस तरह से लोकेशन वाला आएगा कि यू आर ब्राउजिंग द इंटरनेट फ्रॉम फ्रांस लोकेशन। तो अभी देखो यहाँ पे एक नया ब्राउजर ओपन हो गया है आपके ब्राउजर के ही अंदर। अब अगर यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे, लेट से मैं यहाँ पे अगर गूगल को ओपन करता हूँ, तो देखिए गूगल हमारे यहाँ पे ओपन हो गया है और अगर आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे आप देखोगे तो ये लोकेशन आपको यहाँ पे फ्रांस का शो करेगा। इसी तरीके से कोई भी अदर वेबसाइट आप ओपन करोगे, लाइक यूट्यूब है, तो यूट्यूब में भी आप देख सकते हो यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे FR लिख के आ रहा है, जिसका मतलब है ये फ्रांस लोकेशन से एक्सेस हो रहा है। इसी तरह से आप कोई भी वेबसाइट को यहाँ पे एक्सेस करो और इसको यहाँ पे यूज़ करो और आपको यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होने वाला है। ये स्पेशली उनके लिए है जो इस तरह की वेबसाइट को यहाँ पे विजिट करते हैं। तो कोई भी सस्पिशियस आपको वेबसाइट लगे, बस इसको यहाँ पे आप ओपन करिए, इसको इंजॉय करिए और आपको यहाँ पे कोई भी हार्म नहीं होने वाला है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम दोबारा से स्क्वायर एक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और अब आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर वाला, तो यहाँ से आप किसी भी फाइल को व्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई फाइल आपने डाउनलोड करी है, किसी ने भेजी है और उसमें किसी तरह का मैलवेयर हो सकता है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और यहाँ से चेक करने में आप उस फाइल को चेक भी कर पाएंगे और आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और ये देखिए यहाँ पे डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे ब्राउज फाइल के लिए बोलेगा, तो आप ब्राउज फाइल पे क्लिक करिए और जो भी फाइल को आप यहाँ पे व्यू करना चाहते हैं उस फाइल को सेलेक्ट करिए, ओपन पे क्लिक करिए और कुछ ही देर में यहाँ पे वो फाइल को ये ओपन करके दिखा देगा कि वो फाइल में एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है
और अगर किसी तरह का इन्फेक्शन कुछ भी ऐसा होगा और आपने इसको ओपन भी कर लिया तो आपके यहाँ पे ब्राउज़र में या आपके डिवाइस में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये आपका एक डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर है जहाँ पे ये आपके देखा जाए तो वर्चुअली आपके यहाँ पे कंप्यूटर में रन हो रहा है। तो अगर कोई भी फाइल आपने ओपन कर भी ली यहाँ पे और जिसमें अगर मैलवेयर भी है तो यहाँ पे आपके सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जिसको यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम स्क्वायरएक्स पे दोबारा से क्लिक करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको मिलता है डिस्पोजेबल ईमेल वाला। तो बहुत टाइम गाइस ऐसा होता है कि आप बहुत तरह की वेबसाइट पे विजिट करते हैं जहाँ पे आपसे ईमेल मांगता है लॉगिन करने के लिए, और हर जगह पे आप अपनी ईमेल को शेयर नहीं करना चाहते। जैसे हम यहाँ पे स्क्वायरएक्स पे भी लॉगिन कर रहे हैं तो हमसे यहाँ पे ईमेल मांगा, तो पहली बार तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी अदर वेबसाइट पे आप जाते हैं, लाइक आप कैनवा पे जाते हैं, किसी अदर वेबसाइट पे जाते हैं, तो करना आपको यहाँ पे क्या है, आपको बस वो वेबसाइट यहाँ पे ओपन करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपसे लॉगिन के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आपको अपनी कोई भी ईमेल यूज़ नहीं करनी है, बस यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करिए। अब ये गूगल से, फेसबुक से या अदर वे से बोलेगा, ईमेल से बोलेगा, तो कंटिन्यू विद ईमेल वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करो। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, और डिस्पोजेबल ईमेल में यहाँ पे आप देखिए आपको एक ईमेल मिलेगी, बस इसको यहाँ से आप कॉपी करिए और यहाँ पे कैनवा वाले अकाउंट में पेस्ट कराइए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब आपसे देखिए यहाँ पे एंटर कोड बोलेगा, तो एंटर कोड पाने के लिए दोबारा से यहाँ पे अपने एक्सटेंशन पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे इनबॉक्स पे क्लिक करिए, और देखिए यहाँ पे आपके पास कैनवा से यहाँ पे ईमेल आ गई है, और ये रहा आपका कोड। बस कोड को यहाँ से आप कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट कराइए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए, और अब यहाँ पे आप कैनवा पे लॉगिन हो गए हैं और आपने किसी भी तरह का अपना यहाँ पे ईमेल भी यूज़ नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आए दिन आप बहुत तरह की वेबसाइट पे विजिट करते होंगे और अलग अलग जगह पे आपको ईमेल डालना होता है, तो बस हर जगह आप इसी ईमेल को डाल के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलता है स्मार्ट इंटीग्रेशन का, तो ये भी आपको यहाँ पे इनेबल रखना है। और ये कह रहा है ऐड पावरफुल सिक्योरिटी फीचर टू वेबसाइट ऑटोमेटिकली सीमलेस इंटीग्रेशन विद जीमेल इन दिस वर्जन। अब इसके इनेबल होने से क्या होगा कि जब भी आप किसी तरह की वेबसाइट पे होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने ब्राउज किया, आपको यहाँ पे कई सारी वेबसाइट देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी वेबसाइट आपको सस्पिशियस लगती है उस पर यहाँ पे आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा ओपन इन स्क्वायरएक्स। तो अगर आपको लगता है यार ये पता नहीं वेबसाइट सेफ है कि नहीं है, इसको ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बस इस ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे किसी भी ब्राउज़र को चूज़ करिए, किसी भी लोकेशन को, और अब देखिए ये आपको जो है ये इस वेबसाइट को एक अलग डिस्पोजेबल ब्राउज़र में ओपन करके देगा। अगर मान लीजिए कि ये वेबसाइट मलेशियस भी होगी तो अब आपके ब्राउज़र को या आपके पीसी को यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये एक अलग बेनिफिट है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप अपने जीमेल पे हैं, अपने ईमेल पे हैं, और आपको कई तरह के यहाँ पे ईमेल आते हैं, कई सारे अटैचमेंट आते हैं, और आपको श्योर नहीं है कि क्या वो अटैचमेंट यहाँ पे सेफ है कि नहीं है, तो उस अटैचमेंट पे यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू इन एनहांस्ड प्राइवेसी मोड, यहाँ पे क्लिक करिए और देखिए ये आपको यहाँ पे अलग टैब में ओपन करके दिखाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपका इस अटैचमेंट में किसी तरह का कोई मैलवेयर भी रहा होगा, तो यहाँ पे अगर आपने रियल कंप्यूटर में इसको ऑन किया होता तो शायद आप हैक हो चुके होते, आप कॉम्प्रोमाइज हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे ओपन करने से आपके जो पर्सनल कंप्यूटर है, आपके डिवाइस में आप कोई भी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। तो ये गाइस आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ब्राउजिंग करें, किसी भी तरह की फ़िशिंग वेबसाइट, मलिशियस वेबसाइट पे विजिट करें, किसी तरह के अटैचमेंट को डाउनलोड करें, किसी तरह के लिंक पे क्लिक करें, तो उससे पहले आपको यहाँ पे आके उसको वेरीफाई कर लेना है, और ये सेकंडों में काम हो जाता है और आपको ये हमेशा सिक्योर भी रखने वाला है। तो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपके लिए वीडियो बड़ी यूजफुल होगी आज की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।